बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। चैनल विन की सबसे मुनफरद और खुसूसी पेशकश प्रोग्राम मसाइले ज़िंदगी ग्लोबल के साथ आपका मेज़बान ज़िशान हैदर रिज़वी हाज़िर ख़िदमत है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बख़ैर आफ़ियत होंगे नाज़रीन इकराम। और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि मसाइले ज़िंदगी ग्लोबल एक ऐसी पेशकश कि जिसे आपने मसाइले ज़िंदगी ग्लोबल के पॉपुलर शोज़ में शुमार किया, मुख्तसर से औकात में इस प्रोग्राम के एपिसोड्स को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया। आपके मुसलसल फीडबैक, आपके राय मशवरे, आपके एहसासात, आपके रेस्पॉन्सेज हम तक पहुँचे। और इसी हवाले से मसाइले ज़िंदगी ग्लोबल आपका अपना फेवरेट शो वीकली एपिसोड हो चुका, जिसे आप हर हफ्ते रात 9 बजे चैनल विन पर देखते हैं। और नाज़रीन इकराम, इसी हवाले से मसाइले ज़िंदगी ग्लोबल का आज का एक बेहतरीन एपिसोड पेश खिदमत है कि जहाँ पर हमने चंद ऐसे सवालों को शामिल किया कि जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क के उलमा इकराम से, इस्लामिक स्कॉलर से तफसीली जवाबात को जाना और उन जवाबों को आज के इस एपिसोड में हम प्रेजेंट करेंगे। और फिर नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आप सबको ये मुबारकबाद पेश करता चलूँ 13 रजब के हवाले से। इस माह में 13 रजब की तारीख अपने आप में बहुत ज़्यादा मोहतरम और अजीम इस लिहाज से बन जाती है कि 13 रजब को इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख है, कि ये वो इमाम अव्वल हैं कि जिनकी फजीलतों और मंजिलतों को कुरान मजीद की आयतों में उतारा गया कि इनकी फजीलतें हमारी हज़ारहा सोच से बालातर हैं। नाज़रीन इकराम, इसी लिहाज से हम पर यह लाजिम है कि इस माह मुबारक को, इस माह रजब को हम इमाम अली अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक के हवाले से जो किताबें हैं, चाहे नहजुल बलागा की बात करें और दीगर किताबों का मुतालिया करके अपनी ज़िंदगी को एक ऐसी प्रिपरेशन, एक ऐसी बेहतरीन सलीके से गुजारें कि जिस तरह से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हमें इस हवाले से दर्स दिया है। नाज़रीन इकराम, मसाइले ज़िंदगी ग्लोबल का इसी लिहाज से बहुत ही अहम तरीन किरदार रहा है कि जहाँ पर हम तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद के हवाले से ज़िंदगी जीने के बेहतरीन मफहूम को जानते हैं। और इसी के साथ नाज़रीन इकराम, ज़्यादा वक्त ना लेकर आइए इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं आज के इस एपिसोड के सबसे पहले सवाल के साथ, जो मुंबई शहर से है। व्हाट्सएप के ज़रिए अपना सवाल भेज रही हैं हमारी ही एक व्यूअर, जिन्होंने अपना नाम मेंशन करने के लिए मना किया है। उनका सवाल कुछ इस तरह से है कि सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम बॉर्न मुस्लिम बट नेवर प्रैक्टिस इस्लाम प्रॉपरली अंटिल ए फ्यू मंथ्स नाउ। इन द पास्ट हाउएवर आई हैव कमिटेड सिंस व्हेन आई वाज इन प्रैक्टिसिंग। आई एम रिपेंटिंग टू अल्लाह फॉर माई पास्ट सिंस एंड आई हैव चेंज्ड माई वेज। आई एम फॉलोइंग द राइट वे and have taken on hijab as well. I've found a good Muslim man to marry, but I'm scared to tell him about my past. Is it required to tell him before marriage? To nazreen ikram, is sawal ko main mukhtasaran translate karta chalun urdu zuban mein hamare nazreen ke liye jo urdu zuban se zyada ulfat rakhte hain, zyada ise apni primary language mante hain. Isi lihaz se nazreen ikram, iska mukhtasaran translation, hamari viewers janna cha rahi hain ki ye दीन इस्लाम को पहले पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं करती थी, लेकिन अब वो दीन इस्लाम के मकसद फालियत और गाइडलाइंस को पूरी तरह से प्रैक्टिस कर रही हैं और वो हिजाब भी करती हैं, और फिर वो अभी एक रिश्ते से जुड़ने जा रही हैं अपने हमराह के साथ। तो वहाँ पर ये जानना चाहती हैं कि क्या ये अपनी पुरानी चीज़ें, जो जब वो दीन इस्लाम को पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं कर सकती हैं और जाने अनजाने में अगर इनसे गुनाह हुए हैं सरजद, तो क्या उन्हें बताना और बयान करना लाजिम है, ज़रूरी है। इस हवाले से वो ये तफसीली गाइडेंस और जवाब जानना चाहती हैं। और इस सवाल के तफसीली जवाब को हमने जाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शब्बर महदी साहब से, जो यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर से हैं। आइए इस सवाल के जवाब को उनसे जानते हैं। Assalamu alaikum wa rahmatullah. A question has been asked by a sister with regards to telling her future husband about the sins she committed in the past. As we understand, a person should not disclose the sins they have committed to others. The sins you have committed are the things, the acts of disobedience that you have done, and they are between you and Allah subhanahu wa ta'ala. And as she has said that she has asked for forgiveness and she has repented and she no longer commits those sins. As for the person asking
It is not correct for anyone to ask someone else about what sins they have committed. I can't go up to someone and say, have you committed this sin? Have you ever lied in your life? Have you ever drunk alcohol in your life? This is not allowed for me to do so. Also, if I'm asked if I have committed a sin, many of the ulama, they allow what is called tawriya. Tawriya is different to lying. Tawriya is to say something which can be taken to mean something else. To say something which has a certain apparent context, even though I mean something else. So if a person was to ask me, have you ever committed this sin in your life? They shouldn't have asked me in the first place. They're not allowed to ask me. The reply I can give, and maybe give a general reply, A'udhu billah min dhalik. I seek refuge from Allah from these sins. In this way, not telling them yes or no, but giving them a type of answer. Also, we understand that Imam Sadiq alayhi salam has a hadith where he says, لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. It's not correct for a mu'min, a believer, to humiliate himself. You should not tell other people about your sins. You should not allow people to think you have committed a sin. You have committed a sin, it's in the past. Yes, she shouldn't hide something which will affect her relationship. If she knows, we're not talking about sins here. If there's a certain piece of information, she has a certain illness, and the books of fiqh mention this in detail, you shouldn't hide something which you know will later affect. Or you shouldn't deceive and have deceit in the relationship and in the information that is given to one another. An example that they give is, I wanted to get married and I, for example, lied about my family, lied about my genealogy. This is not acceptable. Lied about a certain physical ailment that I have. But with regards to the sins, no, you should hold. You should not tell people your sins. You have done istighfar for them. And inshallah, you should ask Allah subhanahu wa ta'ala for the best. So, Nazreen-e-Ikram, Aga ka jawab English mein raha. Mukhtasaran iska translation karta chalun. Aga ka jawab is tarah se raha ke sabse pehle to ye theek nahi hai ki aap apne gunahon ko logon ke darmiyan bayan kare. और फिर इस हवाले से आगा ने इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की मशहूर और मारूफ हदीस को भी बयान किया कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक इंसान को, एक शख्स को अपने गुनाहों को, अपने पास्ट के सिंस को, अपने गुनाहों को लोगों के दरमियान बयान करके अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। और इसी हवाले से आगा ने यह सजेशन भी दिया कि उन्हें अपने हमराह जो उनके साथ जो जुड़ने वाली हैं उन पे उन्हें अपने पुराने सिंस को बताना लाजिम नहीं है आमतौर से, और ये ठीक नहीं है। और लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन के आम तौर से या फिर बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि अगर वो कोई बीमारी या फिर किसी भी लिहाज से कोई ऐसे फिज़िकली चैलेंज्ड एबिलिटी से जूझ रही हैं, तो ऐसे आलम में उन्हें अपने पार्टनर, अपने हमरा जिनसे वो रिश्ता जुड़ने वाला है उनका, उन्हें ये बताना ज़रूरी है और उसे ये छुपाना ठीक नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आगा के इस पर तफसीली जवाब के लिए। एक और सवाल के साथ इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। और नाज़रीन इकराम, हमारा अगला सवाल है हिंदुस्तान के दिल्ली शहर से। हमारे व्यूअर जनाब अंसार महदी साहब की जानिब से ये सवाल है, और सवाल कुछ इस तरह से वो कर रहे हैं कि सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल के लिए मेरा सवाल ये है कि बहुत सी कोशिश और जद्दोजहद के बावजूद वाजिबात की अदायगी के वक्त जहन दुनियावी फ़िक्र में मशगूल रहता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके लिए मौलाना साहब तफसील से कुछ फरमाएँ। तो नाज़रीन इकराम, हम में से बहुत से अफराद इस चीज़ से जूझ रहे होंगे कि जहाँ पर जब भी हम वाजिबात की अदायगी करें तो हमारे अजहान, हमारी सोच दुनियावी फ़िक्र की जानिब रूबरू हो जाती है, और ऐसे आलम में क्या करना चाहिए, इस पर तफसीली गाइडेंस और इस सवाल के जवाब को हमने जाना हुज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन मौलाना शेख अब्दुल्ला उबैद साहब से, जो कैनेडा के ओटावा शहर से हैं। आइए सीधे चलते हैं उनकी जानिब और इस सवाल के जवाब को उनसे जानते हैं। In the name of Allah, most merciful, most compassionate. The question is about concentrating in the prayer. Actually, there is different utilities of concentrating in your prayer. First and the best is to sit and convince yourself that you are talking to Allah subhanahu wa ta'ala, and try to listen to Allah when He answers you back. So concentrate on every word you're talking, because Salat in Arabic means connection. So there is A and B.
A is yourself, the praying person. B is Allah who's receiving your prayer, and it's live. So whenever you convince yourself that you're praying to Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, and whenever you concentrate on that, you have to read slowly, especially when you come to Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. To you only we seek refuge and ask for help. To you only we worship. And you're talking to Allah in direct language. That means Allah is listening to you and looking at you. There's a narration from Imam Sadiq alayhi salam. He said that whenever it's a prayer time and it's a call of prayer, Allah subhanahu wa ta'ala sent angels to sit on your back and look at you and take the prayer and go back to Allah subhanahu wa ta'ala. So you have to concentrate. And Imam Sadiq said, whenever you're praying and you start thinking of different things in your life, materialistic, Allah will call you, will say, oh my worshiper, do you worship another God? Do you have somebody? So Allah will say, every time your imagination go to somewhere materialistic, Allah will call you directly and speak to your soul. Allah will tell you, do you seek and ask for beauty? I am the source of beauty. If you're looking for power, I am the Almighty. If you're looking for wealth, I am the source of wealth. I gave people life, happiness, beauty, wealth, and I am the Almighty, ultimate giver and donor. So are you worshiping another God? Whom you're seeking help from? If you want help, I am the one to lean to and refer to. Then angels will shake you up and say, listen, do you know that Allah is talking to you and he's upset? Try to concentrate. So you go back and you continue reading. And the second time Allah will call you again when you go into imagination mode and will tell you, oh my worshiper, do you have another God? Do you find somebody else who's more beautiful than me? I am the source of beauty. I am the source of wealth. I am the source of power. If you find somebody rich, I am the richest and I can give you all that. Then angels will call you again. You wake up from daydreaming and go back to concentrate on prayer. But the fourth time, Allah gets very upset and he said, listen, I'm gonna leave you to yourself. Go find somebody else to help you. And this prayer is not accepted. Then you'll know that your prayer is not gonna be accepted if you daydream four times in a row in a prayer. This is why convince yourself before you say Allahu Akbar. That means God is the greatest, greatest source of power, of knowledge, of beauty, of wealth, of everything. Try to concentrate, try to convince yourself. Sit before prayer and refresh and think, to whom I'm praying, what's a prayer, and why I'm praying. You'll find that you're thanking Allah, the Almighty, giver and donor to you, that gave you life, gave you beauty, gave you parents, and gave you hands, and gave you everything you asked for. This way, you concentrate in your prayer. Another way to pray nawafil, which is the prayer beforehand, before dhuhr prayer, for example, or asr, or after maghrib, or before isha, or after isha, or before morning prayer. This way you'll trick yourself that within those prayer, which is mustahab, it's not a wajib, you are gonna daydream. But when you come to the wajib, to the communication with Allah subhanahu wa ta'ala, you'll be alerted. So try to think, try to convince yourself that every moment I am saying my prayer, Allah is listening and looking at me. One of the ulama said, once I wanted to concentrate on my prayer, so I put the word Ali in front of me and I start praying. So I start thinking, if Imam Ali is looking at me, how am I gonna pray? And he's standing in front of me.
And then he said, if Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam is looking at me, how am I going to pray? And then he said, listen, Allah subhanahu wa ta'ala, God of Ali and Muhammad, God of A'imma alayhi salam, God of greatness, God of beauty, God of wealth, is looking at me and listening to me and talking to me. So I have to concentrate to feel that Allah is talking to me when I'm reciting the Quran or doing the tasbih or doing sujood and ruku'. May Allah give you concentration. And the last utility is dua. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to give you this heart that make you concentrate in the prayer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah, very thankful to you once again for being a part of this show tonight. And thank you so much for guiding us so well on this very important matter. And thank you so much, Aga, for being a part of this show. नाज़रीन इकराम, आगा का जवाब इंग्लिश ज़ुबान में रहा जैसा कि हम सब ने सुना, और मुख्तसरन इसका ट्रांसलेशन उर्दू ज़ुबान में। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पर बंदगी इलाही की बात करें कि यहाँ पर उबूदियत के लिहाज से बहुत ही अहम तरीन मफहूम सामने नज़र आता है कि जहाँ पर हम अपने रब से कॉन्वर्सेशन, एक गुफ्तगू में अपने रब से हम अपने रब की बारगाह में हाज़िर होते हैं। और आगा ने जिस तरह से फरमाया कि ऐसे आलम में हमारा कंसंट्रेशन पूरी तरह से इस लिहाज से होना चाहिए कि यकीनन वो रब है, वो खालिक कायनात है, अल्लाह सुबहाना व ताला हमारी आवाज़ को, हमारी गुफ्तगू को सुन रहा है, वो हमें देख रहा है। और इस कंसंट्रेशन और इस लिहाज से अगर हम कलिमात की तिलावत करें तो यकीनन ऐसे आलम में डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस कम होंगे। और आगा ने इसी हवाले से इस बात को प्रायोरिटाइज़ किया, इस बात को इम्पोर्टेंस और तरजीह दी, जिस लिहाज से कि हमारी पूरी कोशिश हो कि यकीनन वो रब है, वो खालिक कायनात है जो पूरी कायनात पर कुदरत रखता है और वो हमारी नीयत से वाकिफ़ है। और फिर नाज़रीन इकराम, आगा ने जिस तरह से फरमाया कि जब भी हम नमाज की अदायगी करें तो इस बात को हम जहन में रखें कि हम किसकी इबादत कर रहे हैं, वो रब के जो पूरी कायनात का मालिक है, जिसने इस कायनात को खल किया है, उस रब की फरमाबरदारी और उस रब की वहदानियत में, उस रब की उबूदियत में अपने आप को मशगूल करना और फिर इस बात का ख़ास ख्याल रखना, ये हम पर लाजिम है कि हम अपने रब से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो हमें सुन रहा है, हमें देख रहा है। और अगर इस लिहाज से, इस कॉन्सनट्रेशन के साथ अगर हम नमाज की अदायगी करते हैं तो हम यकीनन पूरी तरह से कॉन्सनट्रेट होकर नमाज की अदायगी कर सकेंगे। और इसी हवाले से नाज़रीन, आइए आगे बढ़ें एक और सवाल के साथ। और अगला सवाल नाज़रीन इकराम है गुजरात के भावनगर शहर से, हमारी व्यूअर सिस्टर फरहत देव जी की जानिब से यह सवाल है। व्हाट्सएप के ज़रिए अपना सवाल हम तक पहुँचा रही हैं। सवाल कुछ इस तरह से है कि सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माई क्वेश्चन इज़, इन लार्ज ग्रुप्स वुमेन प्रे बिहाइंड मैन, वाई इज़ दैट? वाई इट कान बी वाइस वर्सा? तो नाज़रीन इकराम, वो ये जानना चाहती हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ग्रुप, यानी आम तौर से हम खाना काबा के दरमियान या फिर बहुत ही लार्ज ग्रुप्स में अगर नमाज की अदायगी हो रही है और वहाँ पर ख्वातीन भी हैं तो वो मर्द के पीछे नमाज की अदायगी कर सकती हैं, वो ये जानना चाहती हैं कि क्या ऐसी भी कोई कंडीशन है कि जहाँ पर ख्वातीन हैं और मर्द वहाँ पर पीछे नमाज की अदायगी कर सकते हैं। इस पर वो डिफरेंशिएशन और एक तफसीली जवाब को जानना चाहती हैं। और इस सवाल के जवाब को हमने जाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शेख मसूद मुस्तफ़ा साहब से, जो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में हैं। आइए इस सवाल के जवाब को उनसे जानते हैं। Well, it's a very good question. But the answer to this question is that Allah subhanahu wa ta'ala created us differently. And Allah gave us certain specifications differently. Okay, if you look into the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala talks about how He has created women and how He has created men. So Allah has given women certain specialities, certain qualities, that whenever a man sees woman, you know, immediately those, you know, signs are risen. And once those signs are risen, sometimes it is danger to a man. Imagine a woman in front of a man performing salat, and then a man is behind the woman.
Okay, usually, you know, it will be very difficult for the man to concentrate on the salat, because women are made by Allah subhanahu wa ta'ala to be, you know, people who they carry a huge, you know, impact whenever they are with people. So they take the attention of people. So Allah subhanahu wa ta'ala wanted to avoid, or he wants to avoid, men standing behind women performing salat and not concentrating fully in the salat that they perform. Hence Allah subhanahu wa ta'ala, through his beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, said women should stay behind so that men will have that full concentration in performing salat. Because if that fails to happen, there will be men that will be standing behind the woman and will be thinking about women, those women in front of them, you know, that will derail them from their salat. That is why Allah subhanahu wa ta'ala, through our beloved Prophet Muhammad, said women always have to stay behind or stand behind men in salat. Jazakallah Agha, thank you so much for once again being a part of this show tonight. We are very thankful to you for guiding us with this important note over this question received from Sister Farhat Devji from Gujarat Bhavnagar. Thank you so much Agha for guiding us on this important question. To Nazeen Ikram, Agha ne simple si terminology mein is sawal ke jawab mein farmaya ke jahan par female gender ki खिलकत की बात करें तो वहाँ पर उनकी खिलकत इस तरह से है कि एक उमूमी तौर पर यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन जैसी चीज़ का मफहूम सामने नज़र आता है। तो ऐसे आलम में ख्वातीन के पीछे नमाज की अदायगी मर्द को करना ठीक नहीं है, और जहाँ तक डिस्ट्रैक्शन लेवल पर बात हो रही है तो इसी लिहाज से शायद हिजाब के अहम तरीन मफहूम को ख्वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटाइज किया गया है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आगा के इस पर तफसीली जवाब के लिए नाज़रीन इकराम। और आइए एक और सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं, एक अगले सवाल के साथ। और नाज़रीन इकराम, उस सवाल की जानिब बढ़ने से पहले मैं आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपसे शेयर करता चलूं, जिसे आप सब जानते ही होंगे। चैनल विन, जिसे आप अब तक टाटा स्काई, वीडियोकॉन, एयरटेल और दीगर टेलीविजन नेटवर्क पर आप देख सकते थे, और अब चैनल विन की ट्रांसमिशंस को आप डिश टीवी के चैनल नंबर 209 पर 24/7 देख सकते हैं। जी हां नाजरीन, चैनल विन जो हिंदुस्तान का वाहिद सैटेलाइट इस्लामिक टीवी चैनल की, जिसे आप हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क में रहकर मुख्तलिफ टेलीविजन नेटवर्क के जरिए आप चैनल विन की ट्रांसमिशंस को देख सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आइए एक और सवाल के साथ अब इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं और मसाइल जिंदगी ग्लोबल के आज के इस एपिसोड का अगला सवाल है तंजानिया से, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो एक मुल्क है, तंजानिया रीजन है, वहाँ से हम तक ये सवाल पहुँचा। और हमारे ही व्यूअर हैं जिन्होंने जीमेल के ज़रिए अपना सवाल हम तक पहुँचाया है, और उनका सवाल कुछ इस तरह से है कि सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैन अ पर्सन कन्वर्ट टू इस्लाम फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज एंड ही माइट थिंक ऑफ ग्रोइंग इन टू द फेथ लेटर इफ ही इज़ कन्विंस्ड। तो नाज़रीन इकराम, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई शख्स बुनियादी तौर पर दीन इस्लाम को सिर्फ इसलिए इख्तियार कर रहा है कि वो किसी से शादी करने वाला है, क्या बस ये सोचकर दीन इस्लाम को इख्तियार करना सही है? और हालांकि ये भी हो सकता है कि वो आगे चलकर ऐसे शादी कर लेने से दीन इस्लाम को अपना मज़हब मानने लगे और दीन इस्लाम के मकसद फ़ालियत से कन्विंस हो जाए और दीन इस्लाम की पैरवी करने लगे। तो ऐसे आलम में नाज़रीन इकराम, वो इस पर तफसीली गाइडेंस जानना चाहते हैं। और इस सवाल के जवाब को हमने जाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सलीम भीम जी साहब से, जो कनाडा के एडमिंटन शहर में हैं। आइए चलते हैं उनकी जानिब और इस सवाल के तफसीली जवाब को जानते हैं। बेसिकली इन अ नटशेल व्हाट वी कैन से इज दैट व्हेन अ पर्सन वांट्स टू
come into Islam, wants to convert into the religion from another tradition, they obviously have to do so with the right intention. It should not be for marriage. It should not be for any other reason other than the fact that they have been doing their homework, they've been researching, they've been studying, and they feel that this is the right way of life, and they therefore come into the religion. Now, obviously, people will convert, and they may not be fully practicing. It may take them months, maybe years, to learn all the basics of praying, of fasting, of for the women, let's say, their hijab and that responsibility. But at the core of it lies the fact that marriage should not be, or conversion rather, should not be out of convenience. It should not be because you want to marry somebody. And although we would not say that such a conversion was null and void, because obviously the conversion happens within the heart. Somebody comes into Islam, yes, verbally by declaring Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. And obviously to also bear witness to the walayat of Imam Ali by saying Ashhadu anna Aliyun Waliullah, to bring them into the fold of the teachings of the Ahlul Bayt, peace be upon all of them. But we really are not people who can or should be judging the iman of an individual. Did they convert out of love because they want to marry somebody? Did they convert out of did they convert to Islam for any ulterior motives? So in a nutshell, what we can say to sum up this question and provide a comprehensive answer to the viewers is that it is not really appropriate for a person to simply convert because they want to marry somebody with the hopes that down the line they may actually grow into Islam. They should be coming into Islam knowing the religion, the basics of it, knowing what they're getting themselves into, and then basically take it from there. It should not be used as a easy way to marry somebody of the opposite gender. It should not be for any other purposes other than for the fact that a person feels that this is the right path that they wish to go on, the right way of life, and that they are coming into Islam because of that reason. And obviously as a byproduct, if marriage is something that does take place, well, that's all well and good. But ultimately, a conversion to Islam should be because of the fact that a person really believes in the religion and in what they have studied. Jazakallah, I'm very thankful to you. And once again, being a part of this show tonight, we are very thankful for guiding us so well and increasing our knowledge on this important matter. Thank you so much, Aga. तो नाज़रीन इकराम, आगा ने जैसा कि फरमाया कि बुनियादी तौर पर दीन इस्लाम को कबूल करना सिर्फ इसलिए कि वो शादी करना चाहते हैं किसी से जो दीन इस्लाम को अपना मज़हब समझते हैं, तो ऐसे आलम में ऐसी शादी करना या निकाह करना ठीक नहीं है। कि यकीनन बहुत सारे ऐसे मराहिल हैं कि जिनको प्रैक्टिस करना, जिसके लिए कई महीने या कई अरसे गुजर जाएंगे उस शख्स के लिए, कि चाहे वो नमाज़ की अदायगी हो और फिर बुनियादी तौर पर तिलावत कुरान या और बहुत सारी चीज़ें हैं, वाजिबात की अदायगी हैं, तो सिर्फ इसलिए कि वो शादी करना चाहते हैं किसी से और इसलिए कुछ अरसे के लिए दीन इस्लाम को कबूल कर लेते हैं, ये करना ठीक नहीं है। या फिर ऐसे सजेशन आगा ने जिस तरह से गाइडेंस के तौर पर फरमाया कि या फिर वो दीन इस्लाम को पूरी तरह से जानें, समझें और फिर इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत को कबूल करें और अइमा अतहार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत को कबूल करें और फिर उसके बाद एक प्रॉपर मेंटेन रूटीन के साथ वो दीन इस्लाम को कबूल करें और आगे बढ़ें, और साथ ही ऐसा ना हो कि ये शादी अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाए आगे चलकर। इस लिहाज से आगा का ये सजेशन रहा, जिसके लिए हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन सीधी सी और क्लियर और सिंपल सी टर्मिनोलॉजी में आगा ने जैसा कि फरमाया कि बुनियादी तौर पे सिर्फ शादी कर लेने के लिए दीन इस्लाम को कबूल कर लेना और दीन इस्लाम के मज़हब और मकसद फालियत को ना जानना, ऐसा करना ठीक नहीं है। नाज़रीन इकराम, आइए एक और सवाल के साथ इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं और मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल के आज के इस एपिसोड का आखिरी सवाल। और ये सवाल कर रहे हैं जनाब मुंतज़िर आबदी साहब, जो हिंदुस्तान के दिल्ली शहर से हैं। उनका सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक पहुंचा है। सवाल कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ए मैन डाइज एंड लीव सम अनटैक्स्ड प्रॉपर्टी बिहाइंड, व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ पीपल हु इनहेरिट दैट? तो नाज़रीन इकराम, अगर कोई शख्स ऐसे आलम में मर जाए कि जहाँ पर उसकी उसके जो कुछ प्रॉपर्टी हैं और
जिनका वो मालिकाना हक रखता था और जो अनटैक्स्ड हैं, जिसका खुम्स नहीं निकाला गया है, और जो कोई भी उस प्रॉपर्टी को हासिल करता है उस शख्स के इस दुनिया से रहलत कर जाने के बाद, तो उसकी क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं, और इस पर वो तफसीली जवाब को जानना चाहते हैं। और नाज़रीन इकराम, इस सवाल के जवाब को हमने जाना हुज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन मौलाना मिर्ज़ा अस्करी साहब से, जो कुवैत मुल्क में हैं। आइए सीधे चलते हैं उनकी जानिब और इस सवाल पर तफसीली जवाब को जानते हैं। जवाब इसका ये कि अगर कोई शख्स इस दुनिया से चला जाए और उसके माल में हक वाजिब मौजूद हो, खुम्स हो, ज़कात हो, किसी का माल हो, तो ऐसे शख्स के वारिसों पे मीरास के तकसीम करने से पहले ज़रूरी यह है कि वो पहले उसका हक अदा करें, फिर उसके बाद मीरास तकसीम हो। जब तक हक अदा ना हो उस वक्त तक मीरास का तकसीम करना जायज़ नहीं होगा। ना सिर्फ ये, इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर किसी के गर्दन पे फ़र्ज़ कीजिए कोई वाजिब अमल मौजूद हो, किसी पे हज वाजिब था, वो हज पे ना गया हो और उसने हज ना अंजाम दिया हो, किसी पे कोई दूसरा वाजिब अमल अंजाम दिया हो जिसमें पैसा खर्च करना उसके ऊपर ज़रूरी था, तो उसके वारिसों पे ज़रूरी है कि पहले वो उसका वाजिब, यानी अब किसी वजह से वो ना जा पाया, कोई उस वक्त गाफिल था, मुतवज्जे नहीं था, फिर जब उसको बाद में एहसास हुआ तो गोया ऐसी सूरत में उसके वारिसों पे ज़रूरी है कि पहले उसके माल से वो पहले हक वाजिब निकालें, खुम्स का पैसा निकालें, ज़कात का पैसा निकालें, उसके बाद फिर उनके लिए उस माल में तसरुफ करना जायज़ होगा। बग़ैर उस माल में वाजिब हक के अदा किए हुए, उसका खुम्स अदा कर किए बग़ैर, उसकी ज़कात अदा किए बग़ैर, या उसमें मिसाल के तौर पर उस पर हज वाजिब था, उसके हज का पैसा निकाले बग़ैर, उस माल में तसरुफ करना शरी तौर पे जायज़ नहीं होगा। और उन वारिसों को गोया इवन वो 1/3 जो मीर वसीयत में क्या नाम है जायज़ है कि मरहूम वसीयत कर सकता है 1/3, इवन वो 1/3 भी और मीरास की तकसीम भी, दोनों ही पहले वो वाजिब गोया हक को अदा किया जाएगा, फिर उसके बाद वो 1/3 को कंसिडर किया जाएगा। मिसाल के तौर पर उसने कहा था कि मेरा पैसा जो है मस्जिद में लगा देना 1/3, तो खैर 1/3 से ज़्यादा उसको हक़ नहीं है वसीयत करने का मरहूम को, या अगर की भी है तो उसने 1/3 से ज़्यादा वारिसों पे वाजिब नहीं है कि वो उसको उस पे अमल करें, लेकिन वो वसीयत पे अमल से पहले वो वाजिब हक़ निकाला जाएगा। फ़र्ज़ कीजिए 1,00,000 रुपए उसने छोड़े हैं, तो उसका पहले 20,000 रुपए उसका खुम्स निकाला जाएगा, उसके बाद फिर कहीं उसकी वसीयत पे अमल किया जाएगा और फिर वारिसों के दरमियान वो माल तकसीम होगा। बिफोर दैट, उससे पहले, उससे कबल उस माल में तसरुफ शरी तौर पर जायज़ नहीं होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकअल्लाह आगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तफसीली जवाब के लिए कि जिसके ज़रिए हम सब के इल्म में इजाफा हुआ। यकीनन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नाज़रीन इकराम, ये एक ऐसा मसला है कि आम तौर से हम उमूमी तौर पर कई मरतबा इस चीज़ को देखते हैं कि जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ तो तकसीम हो जाती हैं, लेकिन जहाँ खुम्स की अदायगी और ज़कात की अदायगी की बात करें तो वो चीज़ मुकम्मल तौर पर एक पिक्चराइज लेवल पर नज़र नहीं आती। तो ऐसे आलम में इस बात को अपने अजहान में रखना और एक बेहतरीन अंदाज से इस मसले को सुलझाना, जिस तरह से दीन इस्लाम ने, शरीयत ने इस पर हमें गाइड किया है, इस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगा ने इस पर हमारे इल्म में इजाफ़ा किया, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के भी एपिसोड से आप वो तमाम सवालात, वो तमाम गाइडेंस और उनके जवाबात जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क के उलमाए इकराम ने दिए, अपने कीमती औकात में से वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। साथ ही हमारे व्यूवर्स के हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इतने बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट सवालात को हम तक पहुंचाया कि जिससे हम सब के इल्म में इजाफा हुआ। नाज़रीन इकराम, आज के इस एपिसोड के हवाले से अपने कीमती रेस्पॉन्सेज, अपने राय मशवरे, अगर इन सवालों के जवाब में अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तफसीली तौर पर, तो हमें ज़रूर लिख भेजें, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए या फिर मुख्तलिफ मीडियम्स के ज़रिए आप हमसे राबता कायम कर सकते हैं और फिर अपने सवालात भी साथ हम तक पहुंचाएं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द अज जल्द उनके जवाबात को अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तमाम तक पहुंचाएं। इंशाल्लाह एक बार फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते। आप जानते ही हैं
हर इतवार रात 9 बजे मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल की अहम तरीन और खसूसी पेशकश को आप चैनल विन पर देख सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और बिल्कुल ही नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका मेज़बान ज़ीशान हैदर रिज़वी आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। देखते रहिए चैनल विन, पैगाम इंसानियत।